2009 थाउजेंड 2011 टू टू किया है सी आई डी दो साल मुझे आज भी लोग मिलते हैं मैम क्या थप्पड़ मारती थी आप दया दरवाजा तोड़ दो हाँ। कुछ, तो, गड़बड कुछ तो गड़बड़ है वो माई oh गॉड उसके तो मीम्स भी अभी भी बनते हैं हाँ। है। मुझे कितने आते हैं कि ये देखो ये खून है ये लाल खून है तुम्हें क्या लगता है हाँ सर ये लाल खून है न <laughs> <I'm like, laughs>

खानदान खानदान में थैंक्स आई मीन दिस इंडस्ट्री की यहाँ पे मोटे लोग भी चल जाते हैं <laughs> क्या फर्क पड़ता है ढीला सूट पहन लूंगी कॉमेडी बन जाऊंगी वह well, मेंटली है ना कि जो मोटे होते हैं कॉमेडी करते हैं एक ये होते हैं एक होते है। हम हमेशा इंटरव्यू दे देते दे हैं कुछ नहीं वो जब पारा चढ़ता है अंडरस्टैंडिंग भी जाती है साइड में मजाक नहीं कर रहे हैं पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा का

ये कि सपना जो है ये सबका पूरा नहीं हो पाता है जिनका पूरा होता है वो ही जानते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या होता है और कैसे वहां तक पहुंचा जाता है और ये सब शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं जसवीर कौर वेलकम टू ज्वाइन जसवीर थैंक यू थैंक यू सो मच जसवीर ये ना एक पहला सवाल मेरा ये है कि सब लोगों के मन में ना बचपन में खास होता है हुँ. कि मुझे हीरोइन बनना है या हीरो बनना है या दूसरा पुलिस फोर्स में जाना है ना ये दो चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है आपने दोनों कर लिया

चमक कभी देखी नहीं थी वो क्रेज नहीं, नहीं था नहीं नहीं था ओके okay, ओके। okay. yeah. लेकिन पुलिस में में। इंस्पेक्टर का हाँ। वो था। I wanted to be a या फिर क्राइम ब्रांच अभी भी ऐसा होता है कि बन सकती क्या मैं? मुझे अभी भी लगता है वो। वो तो जब CID कर रहे थे वो वो यूनिफॉर्म आता था। you saw my attitude. <laughs> मैं तो ऐसा <laughs> ंग एन एक्टर वट कि आपको टेलीविजन में जो टेलीविजन हमारा डेली सो ड्रामा होता है उसमें आप खड़ी नहीं रह सकती वो लकी था मेरे लिए बिकॉज आई एम ए डांसर सो आई एक्सप्रेस बट मैं अगर सिर्फ खड़ी रह के मैं सिर्फ देखती हूँ लाइक मैम आप थोड़ा एक्सप्रेशन दीजिए ना इस टू वंडर की एक्सप्रेशन दीजिए मतलब क्या होगा यू नो क्या करना है सो इनिशियली मैन आई गॉट इन दिस आपको डरना है सो में डरती थी नहीं आपको और डरना है और कैसे डरे हैं हाँ. और आंखें बड़ी कीजिए और हाँ. आखी है ना, अ, ओके। आपको डरना है हुँ. तो हर कोई वैसे रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता नहीं कर है डर कर का डांसिंग बैकग्राउंड से आती हूँ और हम लोग आउटडोर शूट्स करते थे तो रात को और कोई टाइम पास नहीं होता था हमारे पास एक दूसरे को डराने के अलावा यू नो लाइट चली गई है कैंडल लेके पहुंच गए हैं वो, वो सफ़ेद कपड़े में पहुंच गए हैं वो ये सब करते थे अब hmm. मैं लिटरी दरवाजा से खोलती थी और मुझे कोई यहाँ मिलता था बोले हो गया चल जाके सो जाओ यू नो आई वॉज लाइक दैट मैं ओ आ oh, ah, वो कभी किया नहीं है सीरियल hmm. so hmm. मुझे वो इनैक्ट करने इमोट करने बहुत टाइम लगा डरने के लिए जैसे hmm. आपको डरना है एम लाइक मुझे सो so, मुझे बताते थे कैसे डरना है आंखें बड़ी करो आई लाइक नहीं यार या तो शायद मैंने तब सच में भूत नहीं देखा होगा लाइक वी डोंट डू दैट अभी तो हुँ. सीख लिया है और या समझ गए हैं कि, कि किस फ्लोर में जाना है यू नो इट्स लाइक दैट मेरा एक शॉर्ट था उन लोगों ने मुझे बताया नहीं क्या है सिर्फ बोलना है ये कैमरा रखा है लो एंगल में एंड आपको किसी के साथ आके दरवाजा खोलना है मैंने के दरवाजा खोला और बहुत सारे कबूतर उड़े अब मैंने उनको स्पेस दे दिया वो उड़ गए बोलो रिएक्ट करो दे आपको शॉट नहीं बताया क्योंकि हमको नेचुरल चाहिए था ऐसे सर अब एक्शन बोलो आपको मैं एक्टिंग दूंगी सो <laughs> <laughs> so, ये हुआ है मेरे रहते, साथ यू हैव टू टेल मी वो मैं आ वो आई हैव नेवर बीन दैट गर्ल यू नो मेरा वो रहा नहीं। रहा नहीं। रहा नहीं। नहीं। लेकिन ऑडियंस को दिखाने के के लिए लिए उस तक Then, पहुंचाने के लिए। बहुत फिर मुझे मुझे समझ में आया बोलते थे आप हो, आप हो हो रो रो रहे मैं मैं मेरी शकल ऐसी है मैं रो रही क्योंकि मेरे मेरे दिल को बुरा लगा मेरे आंसू निकल रहे हैं और रियल हाँ मैंने कभी टेलीविजन में आज तक ग्लिसरीन नहीं ली है रियली हाँ टेलीविजन में टेलीविजन में आज तक यू कांट यू कैंट इमेज मैं घर कितनी ड्रेन पहुंचती थी क्योंकि मैंने शोज किए हैं जहां मैं रो रही हूँ okay, okay. और फिर बोलते थे कट uh, कट नहीं और लाओ एन लाइक टू बॉर के लाऊ सो विम आई वॉन्ट इट यू नो यू डिस्टॉर्ट

आ रही हूँ आ रही हूँ अब रिमेंट करने का मौका मिला है अब मौका मिला और सबसे पहले इसको पढ़ने थप्पड़ मारना है ऐसेरो हो 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 दिल से अभी निकलेगा <laughs> मुझे आज भी लोग मिलते हैं 2009 टू तो 2011 किया मैंने C I D दो साल मुझे आज भी लोग मिलते हैं है, मैम क्या थप्पड़ मारती थी आप सो इसलाइक वो अच्छा � दया दरवाजा तोड़ दो हाँ। कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है स्टिल रनिंग सो अमेजिंग जैसे बस कल की बात हो यू नो लाइक ऐसी आपको कभी खास बात लगी थी कि सबके एक्शन में कि कुछ तो गड़बड़ फेमस हो जाएगा माय गॉड नेवो, तो, नेवो, नेवो. Oh उसके तो मीम्स भी अभी भी बनते हैं मुझे कितने आते हैं कि uh, ये 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 देखो खून खून है है लाल तुम्हें क्या लगता है हाँ, सर ये लाल खून है एंड आई एम लाइक लाइक यू 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 नो व्हेन आप जब परफॉर्म कर रहे हो आपको स्ट्राइक नहीं होता बिकॉज़ फोकसिंग हाँ. like, अच्छा इसके लाइन के बाद मेरी लाइन है मुझे एक्ट करना है सो so, उसमें होते हैं और बट बाद में अब जब मीम्स बने सर स्टैंडिंग ब्रिलियंट Yeah, वाला कर yeah, ऐसी देखते थे हुँ. स्क्रिप्ट पढ़ते थे एक तो सेट पे आके पढ़ लेंगे हुँ. पढ़ लिया हाँ ठीक है फिर किसका किसका हाँ ठीक है ये लाइन है ये बोलेंगे ये करेंगे अलाइन कर ली ना रेडी है यहाँ से आना है ना हाँ ठीक है ओ एंड ही हैड लीवे विच वी अंडरस्टूड विद टाइम हमको टाइम के साथ समझ में आया एक्सपीरियंस के साथ समझ में आया कि अच्छा वहां से चल के आइए हम आपको पकड़ लेंगे ओके okay. सो so, आप चल के आ रहे हैं वहां जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हो कैमरा पकड़ लेगा सो so, हमको ये सब यू नो सीनियर्स वेन यू वर्क आपको सीखने मिलता है

और लोग नहीं चाहते कि वो बाहर निकले तो उसमें जितने भी करेक्टर थे खास तौर से हाँ। उनसे लोग ना ऐसे रिलेट करते जैसे ओरिजिनल चाहे वो दया हो चाहे वो प्रद्युमन हो लेकिन आपने उनको करीब से देखा है हा, 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 उनमें एज अ एक्टर एज अ पर्सन अगर वो चारो पांचों जो लोग एकदम टॉप पे थे उनको आपको डिफाइन करना हो तो कैसे एज अ सेड शिवाजी सर आके स्क्रिप्ट पढ़े hmm. रूम में नहीं पढ़ेंगे hmm. रूम में नहीं पढ़ेंगे हम okay. कैसे रूम में बाहर करते हैं hmm. किसकी लाइन अच्छा है अच्छा या हम दोनों करके चलेंगे hmm. वो आते हैं हाँ फुल रेडी हिल से हाँ अच्छा एंड असिस्टेंट इज रीडिंग फॉर एमा अच्छा ये बोलना है अच्छा ठीक है ये बोलना है इसके बाद कौन अच्छा ये मेरा लास्ट है ना इसके बाद ये बोलो इसका ये लास्ट है ना ही इज रेडी मतलब वो जहां हो गया पॉज हिल टेक इट ओके ही टेक इट आपका पॉज है आप नए हो नो प्रॉब्लम

लिटी ऑफ अ पर्सन ही इज उनकी वाइफ बच्चे सेट पे आते थे जिस तरीके से वो हर किसी को ट्रीट करते थे यू नो एनी वुमेन लाइक इट वेरी सॉफ्ट वेरी देर कभी किसी के uh, बोलते हैं ना बीच में नहीं आएंगे बट प्रेजेंस विल काउंट वेरी स्वीट वेरी पॉजिटिव दया सर की तो मतलब पर्सनैलिटी खड़ी हुई हाँ सर ऐसे हो जाते थे हम लोग तो दया सर हैड और एवरीबडी विल स्टैंड मतलब आप कितने सीनियर हो जूनियर हो बहुत साल से

मुझे उन सब में से मिले सर आपसे बात करनी है सर अच्छा सुनो क्या कर यू नो लाइक आई फॉर अ ओके एंड ही विल हेल्प ये हम लोग का अलग चलता था यू नो ही विल हेल्प मी कि मैं एक्चुअली एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है मैं सोच रही थी कैसे करूं? So sit, ला, पीना चाय पीना यू नो लाइक लाइक ऑफ थिंग ओके्व

वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हुआ आज भी है, <laughs> आगी, है आगी जी आप डांस हमारा शुरू हुआ आई स्टार्टेड इन वेरी यंग एज और हम पॉकेट मनी के लिए आए थे इंडस्ट्री में ओके okay. अभी तो बहुत पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग आई सेड ना हम बचपन में हमको पता नहीं था हमें करना क्या है मुझे लोग पूछते थे एम क्या है कि एम होता क्या है ये भी करना पड़ता है एम होता क्या है पॉकेट मनी के लिए आए उसके करते 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 एक हमें एक रिहर्सल्स के लिए बुलाया जहाँ पे 200 हंड्रेड गर्ल्स ने ऑडिशन दिया था डांस okay. का सत्यम हॉल जुहू सो उसमें डांस करते 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 सात लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी हुँ. जिसमें से मैं एक थी एंड दे वॉन्टेड समबड़ी टू गर्ल्स टॉल गर्ल्स टू डांस बिहाइंड सुष्मिता सेन हुँ. क्योंकि उन्होंने एक जोर फिल्म की थी जिसमें सारी लड़कियाँ थोड़ी हाइट में कम लग रही होंगी सो so, उनको चाहिए था कि उनकी हाइट की थोड़ी लड़कियाँ मैच, हो, तो हमने so, हम एक फिल्म की एंड देन पता चला राजू सर थे राजू खान सर तो so, वहाँ से फिर दे लाइक टर रेशमा दी जो उनकी सिस्टम थी दे लाइक तो so, वो हमारा पैकेज चलता गया okay. कि यहाँ चले गए वहाँ चले गए वहाँ से बस वो जर्नी कब शुरू हुई आई कैन प्राउडली से कि डांसिंग एज अ बैकग्राउंड डांसर का लुक हमने चेंज किया ओके वी चेंज्ड इट वरना वो टिपिकल घाघरा चोली वो टिपिकल सेम कॉस्ट्यूम वो यहाँ से वो है वो है यू नो लाइक इट वाज एट बिल्कुल अब आप कह रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि अब ध्यान पीछे जाता भी है जाता है और कॉस्ट्यूम्स बेटर होते हैं आज अभी बॉयज गर्ल्स बॉडी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वी वर ब्लेस्ड वी वर ब्लेस्ड वी वर टॉल गर्ल्स हमारे कितनी बार मेजरमेंट्स भी सेम होते थे हुँ। बहुत यंग थे हम लोग right, right. हमें ये भी बोला गया है कि oh, you become a dancer. मतलब, oh, वैसा वो भी हुआ वो है, भी बहुत हुआ है okay. कि मतलब उफ़ तुम्हारा क्लास नीचे हो गया वाला एंड ये काम काम है एज फार एज इंडस्ट्री जैसी है वैसी है आप कैसे हो सो so, हम छ हमेशा ऐसे रहते थे एक निकल गई थी साथ में से और वो ऐसे होने के बाद, trust me, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो आप हमारी okay. गैंग में आ ही नहीं सकते वी okay. ना हमारा कोई बाहर जा रहा ना बाहर से वेलकमिंग वेयर टॉकिंग पर हम okay. जो छः हैं वो हिलेगा नहीं okay. वो वैसा था सो यू नो लाइक फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स आने लग गई थी हमको वो छः लड़कियां चाहिए सो वी वेंट टू एवरी क्रियोग्राफर तो वो जो एक कमेंट मिला कि ओ डांसर हाँ। और उससे आप जब एक्ट्रेस बनी हाँ। वो जो आपने एक फेस चेंज किया अपना <laughs> तो ये मोमेंट सोच के किया कि ये करना है या ये होता चला गया ये होता चला गया सी आई ऑलवेज फ्लो सो जैसे मैंने सोचा नहीं था मैं इंडस्ट्री में आऊंगी मैं अपने आप आ गई मेरे को uh, मुझे ऑफर मिला मुझे एक्चुअली एकता पिकड मी अ बैकग्राउंड डांसिंग इट्स अ प्रॉपर फिल्मी स्टोरी है मतलब यू नो आई कैन सी इट्स फिल्मी स्टोरी हम कृष्णा कॉटेज का एक क्लैश गाना कर रहे थे सरोज जी एंड मेरे पास एक अनिता आई एंड शी सेक्ट इन टेलीविजन और मेरा लिटरली रिएक्शन था नो नो आई कॉन्ट एक्ट यू नो लाइक मीविंग मी ऐसे नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स ने मुझे लात मारी पीछे से तू पागल

आज राज रच करके मुझे मिल गया तो कल मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे hmm. मुझे उससे ऊपर चाहिए होगा आई डोंट वांट आई एम लाइक दिस मैं लिटरली मैम पर डे इतना ही चाहिए है. आज मैंने इतना मांग लिया और कल नहीं मिलेगा okay. <laughs> आज बंगला नहीं बनाना है मुझे तो फ्लो फ्लो के के साथ साथ जाना मैं के साथ जाती मैं जाती hmm. इसलिए मैं इंडस्ट्री में मुझे बहुत, बहुत बाहर से लोग बताते हैं कि पता है उन लोग बोल रहे थे ऑलवेज वर्किंग ये बात तो है और जो मैंने नोटिस नहीं किया आई वुड लव टू मैं ब्रेक्स ले मैं ब्रेक्स लेती नहीं हूँ आई एम सॉरी लॉट ऑफ पीपल सेट शर्म होगी ओ आई टूक अ ब्रेक नो आई डेंट टेक अ ब्रेक मुझे काम नहीं मिल रहा है इट्स ओके okay. huh. वो बात अलग है कि आई वॉन्ट बी चूजी अभी जैसे बहुत दूर शूट हो रहा है मेरा बेबी है नायरा वन ईयर शी वॉज वन ईयर फोर मंथ्स लेसर टू मतलब सवा दो साल की थी मैं कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा सवा दो साल की थी एंड मुझे अनुपमा ऑफर हुआ सो hmm. so, मैं ऐसी थी कि क्या करूँ क्या नहीं नहीं सव, पौने दो साल की थी हाँ सवा नहीं पौने दो साल की थी मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ शू लूँ नहीं लूँ बिकॉज विवेक ने बोला मुश्किल से चार दिन लगेंगे ऐसा चलो चलेगा हाँ तो मैं वहाँ तो आई हैव बिकम बिकम चूजी चूजी आई आई बिकॉज एम विद अ वेरी गुड हजबेंड वो प्रेशर नहीं काम करना है काम करना so, लेकिन sad. ऐसा कभी-कभी आर्टिस्ट को भी होता है ना जसवीर की अनुपमा है हाँ अभी बीटीआर भी बहुत हाई है मैं कैसे ना कैसे इसमें और ज्यादा प्रेजेंस रख लूँ अपना uh -huh. तो वो आपको एंजाइटी नहीं रही नहीं है okay. मैं बोली ना मुझे वो नहीं है कि मुझे ये करना है हम uh -huh. okay ओके <laughs> okay, 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 okay. ये बहुत इट्स लाइक अ मोक्ष आई से वो उस लेवल पे घुसना कि आई एम सेटिस्फाइड Hmm. वो बहुत डिफिकल्ट है बहुत डिफिकल्ट है Haan. आप बहुत इजी तरीके से आप बता भी रहे हो कर भी रहे हो ये बहुत Haan, काम है। बहुत मुश्किल मुश्किल काम काम है बिकॉज मैंने जब मेरी uh, साथ की लड़कियों ने भी uh, शादी कर ली थी एक्टिंग hmm. छोड़ दिया डांसिंग uh, छोड़ दी थी तो मुझे किसी ने बताया था कि आई मिस डूइंग माई मेकअप और मैं पता है मालूम है कभी कभी मेकअप करके घर पर बैठती हुई है आई वॉज लाइक अच्छा ऐसा भी होता है यू नो लाइक You don't know. वो यू डोंट नो क्योंकि आगे हम डे नाइट हम मेकअप करके हम काम कर रहे हैं आदत सी है आदत सी आदत सी हो जाती है उसको मुझे मेरी प्रेगनेंसी से टिल अभी भी मैं अभी मेकअप जो करती हूं मैंने ग्लॉस तक नहीं लगाया था प्रेगनेंसी से क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला बच्चे के लिए अच्छा नहीं है सो एम आई रेडी टू सैक्रिफाइस दैट राइट राइट आई हैड पुट ऑन मतलब अभी भी मैं वापस आई एव नॉट गॉन बैक मैं 54 वेट uh, था मेरा जब मेरी शादी हुई थी अभी आठ साल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर और नायरा के बाद आई हैड पुट ऑन थर्टीन केजेज आई थिंक सो मैं ऑलमोस्ट 70 टच करने वाली थी ओके पीपल गो थ्रू डिप्रेशन फॉर वॉट किस चीज का डिप्रेशन है आपको प्री ऑल्सो पोस्ट ऑल्सो यू गो थ्रू वॉट बिकॉज एक्सपेक्टिंग राइट

आ, ये खास से शायद आप क्योंकि फ्लो के साथ जाते हो उतना नहीं होगा लेकिन नए जो आर्टिस्ट आते हैं उनके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा बुझाऊ कि पहले तो बहुत मेहनत करके मशक्कत करके वो इस जगह तक बिल्कुल बिल्कुल हैं। फिर जब एक फैमिली बढ़ती है चेंज होती है तो वो नहीं कर पाते पाती बिल्कुल तो आप क्या सोचती कैसे वो ट्रीट कर लें क्योंकि ये बड़ा अच्छा टिप हो होट इट्स इट्स अ वेरी मैं मानती हूँ ये बात को और मुझे थोड़ा अपसेट ये भी लगता है बिकॉज बहुत माए हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाएगा So, I feel sorry. या तो आप बोलो कि मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री बिकॉज बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो बहुत फ्रेंड्स हैं कि मुझे डर लगता है तो मैं बच्चा नहीं कर रही हूँ ओके वो ठीक टॉर्चर तो नहीं कर रहे हो बच्चे को आप हुँ. अपना मैंने एक साल दूध पिलाया है और मैंने इतना खाया है मुझे कैलेस्ट्रॉल हो गया था वैसी थी बिकॉज मैं मीठा नहीं खाती मैं इतना तेल वाला खाती नहीं हूँ hmm. और कैलेस्ट्रोल हो गया मुझे hmm. और मैं हंस रही थी आई टोल माई हस्बैंड से कैन यू बिलीव दैट आई वाज लाइक दैट मतलब फाइव मंथ प्रेगनेंसी में हस्बैंड मी आई यू श्योर यूर प्रेगनेंट बिकॉज यू आर नॉट क्रेविंग यू आर नॉट फाइटिंग आई सर ये क्या होता है स्नैपिंग yeah. प्रेगनेंसी में आज तक स्मूथ गया ग्रेट सुपर I'm not, आप, I'm not not kidding. You can, you can ask my husband friends हमको ये लगता है कि pregnancy होती है ना तो मूर्सिंग होना चाहिए I don't like it I want this and no आप ये समझो कि a आपकी pregnancy तब तक नहीं होगी जब तक आप welcoming नहीं हो आप हर चीज को बोलोगे हाँ मैं sacrifice करने को तैयार हूँ तब तक नहीं होगी so आप जब sacrifice करने को तैयार हो तब आप complain क्यों कर रहे हो आपका decision

सो कमिंग बैक टू दिस प्रेगनेंसी दूध नहीं पिलाना फिगर hmm. खराब हो जाएगा मदरस आर गेटिंग इनटू योगा गेटिंग इनटू मुझे ब्रेक चाहिए एंड गेटिंग इन जिम ज्वाइन करना है डाइट करना है फिर आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ऐप खोलो मैं बोलती इसको क्या हो गया इसको क्या हो गया आंसर वोट रॉन्ग विथ आई एम रॉन्ग बिकॉज आई एम जजिंग सम वन बट मैं इसलिए जज कर करूँ बिकॉज आई एम अ मदर क्या कर रही है इसने मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया क्यों hmm. तो बच्चे की क्या गलती तुम्हारे प्रोफेशन right, से right, 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 right. मैंने अगर बादाम खाया है या बादाम का हलवा इतना खाया है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया था मेरे बच्चे से बात करो आप बोलोगे जैसे आप थोड़ी देर रुक जाओ मैं इसका इंटरव्यू ले लेता हूँ ओ आई एम नॉट किडिंग यू शी इज जस्ट फाइव शी इज जस्ट फाइव आई एम नॉट किडिंग रिजल्ट आता है रिजल्ट आता है वो जाता है उसमें जाता है मैंने खाए मैंने चीजें खाई मेरी जो नानी झापा थी मेरे पास बिकॉज वी बहुत हम दोनों के पास फैमिली नहीं है पेरेंट्स नहीं है वो बोली आप मोटे हो जाओगे ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा अभी ये प्राइटी। ये प्राइटी है है राइट राइट क्या वर्कआउट कर लेंगे हो गया किस्मत तो और थैंक्स आई मीन दिस इंडस्ट्री कि यहाँ पे मोटे लोग भी चल जाते हैं <laughs> क्या फर्क पड़ता है ढीला सूट पहन लूंगी कॉमेडी बन जाऊंगी मेंटली है ना कि जो मोटे होते हैं कॉमेडी करते हैं हैं एक एक ये होते हैं Right. तो एक्सप्लोर नही की फ्रेंकली uh, मुझे अपने बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है uh -huh. उसकी रोज की चीजें सीखती हूँ उसके कैसे टैकल करूँ बिकॉज ओ माई गॉड इजी यू नो तो मैं ये भी बोलती हूँ कि कम्युनिकेटिंग जो आपके रिलेशन को भी बेटर करता है बट हम हमेशा इंटरव्यू दे देते ओ वो रिक्वायर क्या होता है इस कुछ नहीं वो जब पारा चढ़ता है अंडरस्टैंडिंग भी जाती है साइड में सो यू नो यू लर्न एवरी स्टेप तो मैं रोज़ सीखती हूँ तो रोज़ मैं घर से सीखती हूँ कि मुझे विशाल के साथ कल कैसे डील करना है या इस सिचुएशन के बाद कैसे डील करना है या मुझे नायरा ने आज ये रिएक्ट किया तो क्या डील करना है तो मैं बैठ के बात करती रहती हूँ मैं समझाती रहती हूँ mm -hmm. पहले मैंने इनिशली बींग न्यू मदर राइट सो नो डोंट डू दैट नो डोंट डू दैट नो 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 ऐसे मैं मेरे बच्चे को सिर्फ नो बोल रही हूँ क्या सिखा रही हूँ डरना ah. ये नहीं करो हाथ नहीं लगाओ ये नहीं करो वो नहीं करो तो मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया ऐसा नहीं रहा इफ यू टच दैट इट विल फॉल बेटा इट्स अ लॉस ना देन व्हाट इफ आई जस्ट पुश इट हियर यस यू कैन कीप इट कैन आई प्ले एंड नॉट ड्रॉप यस टेक केयर ऑफ इट यस मम्मा ओके बेटा कम्युनिकेट okay. करना शुरू किया मैंने खुद खुद को सिखाया सी लर्निंग इज फॉर एवर फॉर एवर सो मेरा रोज वो एक <laughs> पॉजिटिव वे हाँ मेरा वो भी होता है कि यार दस मिनट खाना खाने दे मुझे पीसफुल ये ना हाँ वो भी है कि प्लीज गो टू वो होता है हर जो चीज हमको ऐसे दिखती है ना कि वो वाह नो भाई वो इंस्टाग्राम वो नहीं है right, right. <laughs> वो नहीं है जो दिखता है दूसरा पहलू भी होता है आप जो दिखा रहे हो वो दिखेगा बाहर बट hmm. आपको क्या अंदर से जा रहा है इसलिए मैं बहुत सारे लोगों के ना डिप्रेशन देखती हूँ ये ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं डिप्रेस ये शो ऑफ कर रहे हैं डिप्रेस आई नो

अब ये करते हैं कुछ वैसा करते हैं तो कुछ नया आइडिया आ रहा है मैंने। See, writing, okay. मैं बुक पढ़ने की कोशिश की पढ़ा नहीं जाता मुझसे hmm. यानी उसका एक अलग लेवल चाहिए मैं नहीं हूँ सो आई नो दैट क्रिएटिव माइंड चलता है ट्रस्ट में फ्रस्ट्रेशन होते हैं घर में बैठ गए

मूड uh, स्विंग्स ये वो आपके ऊपर है आप, हैं। आप hmm. अगर झेल रहे हो तो hmm. मैं बता रही हूँ hmm. अगर आप नहीं झेल रहे हो तो मैं नहीं बता रही हूँ हम झगड़ा क्यों करें टू स्पॉइल द मूड ना हो मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा जो चाहिए इस वक्त तो मैं अपना मूड खून क्यों जला हूँ सही बात है आप तो चले गए हो अपने काम पे मैं घर बैठ के मुझे आप... नहीं मिला मुझे नहीं मिला मुझे नहीं मिला क्यों मैं अपना नेटफ्लिक्स लगा लेती हूँ मैं अपना वेब सीरीज देख लेती हूँ हमने कहा जिम चले गए

गोइंग थ्रू मदर गिल्ट आप काम कर रहे हो आपने दिखा रहे है मेरा बच्चा बड़ा हो गया आ, बाद में गिल्ट, हो। गिल्ट होता है तो मैं वो हूँ जो इस मैं प्रेजेंट में रहती हूँ लोग पास में रहते हैं और फ्यूचर सोचते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजन्ट में नहीं रहते हैं इसलिए आप मेरा कोई भी पोस्ट उठा के देखो ना मैं चेरिश लिखती हूँ आई एम एट प्रेजेंट मैं यहाँ हूँ आपके साथ मैं ये नहीं सोची हाँ अभी मुझे इतने बच गए हैं मुझे वहाँ जाना है फिर ये करना है वो नो हूँ I am with you right now. आपको लग लग रहा रहा है है आपके बिल्कुल, साथ हुआ? बिल्कुल पूरी तरह से मेरे दिमाग में एक एक बार भी नहीं कि कि अभी तो तो मुझे पता चला ओ, नहीं <laughs> नहीं <थाएं> हो गया। बस कि जो सीरियल्स हम लोग देखते हैं बहुत सारा मजाक भी उड़ता है इतना ड्रामा क्यों होता है और आपने उसको करीब से भी देखा लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडियन ऑडियंस उसी को क्यों पसंद करती है अभी मुझे इंस्टा से थोड़ा समझ में आता है हाँ। क्योंकि हम भी ना एक दूसरे को वेरी रेयर कि मैं ऐसे करती मुझे हाँ। मुझे थोड़ा शर्म आती है आई आई डोंट एम अ बिलीवर ना वो किसी को फॉरवर्ड करना थोड़ा ऐसा लगता है एक एक रील ना ऐसी होती है ना यू लाफ की क्या है हाँ। तो मैं आपको भेजती हूँ हाँ। आप हाँ। देखो आप हंसोगे आप उसको भेजोगे आप उसको भेजोगे उसमें वो जा रहा है राइट तो आपको शाम को लेडीज मिलेंगे क्योंकि उनको एक सीरियल का और मिल जाता है थे वो डिस्कस कर सकते हैं so क्योंकि इतना इसलिए मेरा अनुपमा में देवी का इसलिए भी चला क्योंकि देवी का जब

तो क्यों नहीं है उठ चल करते हैं यू नो दैट पुश वी नीड दैट पुश ओके जसवीर थैंक यू वेरी मच थैंक बहुत अच्छा <laughs> लगा you, बहुत मजा आया मेरी बात करके बहुत <laughs> दिनों बाद और हमेशा की तरह आपके लिए कंक्लूड कर देता हूं जसवीर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही पहली बात तो ये कि आप अगर फ्लो के साथ रहते हैं तो फ्लो आपको उस जगह ले जाता है जहां आपने भी सोचा नहीं होता है आप अगर उस मोमेंट में इन्जॉय कर रहे होते जैसे वो डांस में पूरी तरह से रमी हुई थी पूरी तरह से इन्जॉय कर रही थी तो डेस्नी अपने आप भी कुछ जगह बनाती है जो आपके लिए और भी बेहतर होती है उसके बाद जब वो शूटिंग के सिस्टम में गई वहाँ तो उनको लगा कि ओवर एक्सप्रेसिव होना पड़ रहा है एफर्ट डालना पड़ रहा है लेकिन क्योंकि सिस्टम की डिमांड थी तो उन्होंने वो भी किया मतलब ये साफ है कि आप जिस मीडियम में काम कर रहे हैं अगर उसकी भी कुछ जरूरत है तो वो भी आपको समझनी पड़ेगी और लाइफ को जीने के लिए इस्तेमाल कीजिए उसको काटने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए वो बात मुझे पूरी तरह से समझ में आई कि आपको हर मोमेंट को जीना है इन्जॉय करना है जो भी लाइफ में आ रहा है अगर आप उसको पूरी तरह से जीते हैं तो वाकई ज़िंदगी मीनिंगफुल बनती है ज़िंदगी कामयाब बनती है आपने इस वीडियो से क्या सीखा क्या समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा Uh, इनके इंस्टाग्राम पेजेस और बाकी हैंडल्स में शेयर कर रहा हूँ उस पर जाकर इनको फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी इनकी अच्छी अच्छी बातें देख सके इनके डांसिंग मूवमेंट देख सके और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के एंड रिव्यूज़। स्विच स्विच ऑन ऑफ एक्टिंग अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मैथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मैथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट ज्वाइंट फिल्म वेबसाइट पर अवेलेबल है